नमस्कार मित्रों, क्रांति समर्पण ट्रस्ट प्रस्तुत निरामय स्वास्थ्य का प्राकृतिक राजमार्ग ऑडियो बुक भाग 3 उपविभाग 1A में आपका स्वागत है। आज का बहुत महत्वपूर्ण विषय है जीव के चार लक्षण। परमात्मा ने परम चेतना को आधार देकर बनाए सभी जीव सृष्टि के चार लक्षण हैं, आहार, निद्रा, भय और मैथुन। आहार लेने का मकसद शरीर को बनाना है। यह शरीर लगभग उम्र के 22 साल तक पूर्ण विकसित होता है। उसके बाद हमें शरीर को बढ़ाना नहीं होता है, चलाना होता है। यह मुख्य तत्व को मानव भूल गया और 22 साल के बाद भी पक्व आहार मतलब आग पे पकाया भोजन, मृत भोजन, जिसका कार्य है शरीर को बढ़ाना और सिर्फ सुस्ती और मस्ती देना। प्रथम यह समझना जरूरी है यह देहरूपी गाड़ी चलने हेतु मुख्य जरूरत क्या है। सिर्फ ग्लूकोज है, विटामिन मिनरल है, ऑक्सीजन, ये तीनों चीजों की जरूरत शरीर चलाने हेतु है। जो भी दाल, रोटी, चावल में कार्बोहाइड्रेट है, हमारे अंदर परमात्मा की ऐसी शुगर फैक्ट्री लगी है जो कार्बोहाइड्रेट का रूपांतर डायटिक ग्लूकोज में होता है। खून शरीर से ग्लूकोज और विटामिन मिनरल खींच लेता है और यह हर एक सेल मतलब पेशी तक पहुंचाता है। अपने शरीर में 37.2 ट्रिलियन मतलब 372 खरब सेल से यह शरीर बना है। ऑक्सीजन और ग्लूकोज के मेल से ऊर्जा का निर्माण होता है। यह सत्य को आप प्रथम समझ लीजिए। शरीर के हर पेशी को जीवित रहने हेतु ग्लूकोज और ऑक्सीजन की जरूरत है। यह उद्देश्य पूर्ण करने हेतु हमें आहार मतलब भोजन लेना है। परमात्मा ने परम चेतना को आधार देकर यह सारे जीव का निर्माण किया है, हर एक का ईंधन तय किया है। ऐसा ही मानव का ईंधन तय किया है। भगवत गीता रामचंद्रमानस के हिसाब से मानव का मूल ईंधन मतलब भोजन फलम पत्रम तोयम मतलब फल, सब्जियां, पानी और कंदमूल है। यह प्रकृति ने जैसा दिया वैसा ही लेना है। परमात्मा ने जो हमें बनाया है इससे आपके शरीर को लगने वाले ग्लूकोज, विटामिन मिनरल और जीवनी शक्ति भोजन, यह भोजन में लबालब भरी हुई है। जीव सृष्टि में मानव एकमेव प्राणी है जो भोजन आग के ऊपर पकाकर खाता है। अन्य सारे जीव जो प्रकृति ने बनाए हैं वही स्थिति में वह भोजन ग्रहण करते हैं। आग का गुणधर्म है सब कुछ नष्ट करना। आग पे चढ़ने से यह अन्न में जो जीवनी शक्ति, विटामिन मिनरल संपूर्णता नष्ट हो जाते हैं। बसता है फिर जीव और मन के लिए टेस्टी कचरा। कचरे के कारण शरीर में मल संचय होता है। जहां मल संचय होता है वहां कीड़े आ जाते हैं। कीड़े मतलब बीमारी। सभी बीमारियों का प्रथम कारण आग पे पका हुआ पक्व भोजन है। सभी जीव सृष्टि परमात्मा का आदर करती है। जो तय करके दिया है वही खाते हैं। सिर्फ मानव ही परमात्मा और प्रकृति का अनादर करता है। इसलिए सभी प्राणी मात्र में मानव ही बीमार है, दुखी है। प्राकृतिक आहार ही सत्य है। अपना मानव देह की वैज्ञानिक दृष्टिकोण से शरीर को 80% अल्कलाइन मतलब शारीरिक भोजन की जरूरत है। क्षारीय भोजन मतलब प्रकृति ने जैसा दिया था रॉ फूड, कच्चा अन्न, उसको ही अल्कलाइन भोजन कहते हैं। और सिर्फ 20% एसिडिक फूड मतलब अम्लीय भोजन की जरूरत है। यही आहार का अंतिम सत्य है। डिवाइन नेचुरल डाइट सिस्टम यह एक निरामय स्वास्थ्य का प्राकृतिक राजमार्ग है। सत्य को समझने का प्रयास करो और इस पे चलने की ताकत दिखाओ। आपका अनुभव ही आपका गुरु है। सत्य बहुत आसान है और निशुल्क है। जैसे ऑक्सीजन निशुल्क है वैसे ही सत्य निशुल्क है। करना एक ही है, क्रांति समर्पण ट्रस्ट के सदस्य बनो और शरीर, प्राण, मन और आत्मा का सत्य जान लो।
मित्रों, पिछले भाग में हमने जाना है शरीर शास्त्र मतलब शरीर निर्माण के रहस्य और शरीर जो पांच तत्वों से बना है उसके बारे में विस्तार से जाना है। यह हमारी खुद के बारे में जानकारी है। खुद के बारे में जानना ही आत्मज्ञान है। शरीर का संपूर्ण सत्य अभी आपने जान लिया है। यह शरीर का उद्देश्य है और यह कार्य करना है। हमारे जन्म का उद्देश्य है प्रारब्धिक जो हमारे कर्म हैं उसका हिसाब चुकाने हेतु हमारा जन्म हुआ है। पिछले जन्म के कर्म के कुछ सुख भोगने बाकी है और कुछ दुख भोगने बाकी है। कुछ लेना बाकी है, कुछ देना बाकी है और यह जन्म सावधान होकर जीना है। कुछ कर्मों का कर्ज नहीं बढ़ाना है, होशपूर्ण जीवन जीना है। यह कर्मयोग हेतु ही यह शरीर चलायमान बनता है। जो भी वस्तु चलती है बिना ऊर्जा यह चल नहीं सकती और ऊर्जा निर्माण करने हेतु ईंधन लगता है। उदाहरण के लिए आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आई है, यह एक ऊर्जा है और वह जनरेटिंग स्टेशन पर बनाई जाती है, उसका मुख्य स्रोत है। प्रथम स्रोत है थर्मल पावर। यह ऊर्जा निर्माण के लिए कोयला या ईंधन के हिसाब से इस्तेमाल होता है। दूसरा है हाइड्रो पावर। पानी ऊंचाई से गिराकर यह ऊर्जा निर्माण की जाती है। तीसरा है न्यूक्लियर पावर। यह एटम बम बनाने वाले यूरेनियम से बनती है। चौथी है अक्षय ऊर्जा। यह ऊर्जा सूरज के रोशनी से, इसे सोलर पावर भी कहते हैं। आपका सारा जीवन ही विद्युत ऊर्जा पर निर्भर हो गया है। जो भी मानव ने वैज्ञानिक आविष्कार करके कंप्यूटर, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, चलने वाले टू व्हीलर और फोर व्हीलर बन गए हैं, कल्पना करो यह पावर का स्रोत ही फेल हो गया तो मानव के सारे आविष्कार धरे के धरे रह जाएंगे। ऐसे शरीर भी एक चलने वाली मशीन है। यह मशीन भी बिना ऊर्जा चल नहीं सकती। मानव के जैसे ऊर्जा के स्रोत बाहर नहीं है, यह ऊर्जा का जनरेटिंग स्टेशन परमात्मा ने हमारे शरीर के अंदर ही बनाया है। जब तक यह पावर स्टेशन की ऊर्जा निर्माण करता है शरीर चलता है। जैसी ऊर्जा का स्रोत बंद हो जाता है शरीर की मृत्यु हो जाती है। यह जनरेटिंग पावर स्टेशन जो ऊर्जा निर्माण करता है वो हमारे शरीर के अंदर ही स्थापित है। यह परमात्मा की अकल्पनिक डिजाइन है। यह पावर स्टेशन जन्म से शुरू हो जाता है तो मृत्यु तक अखंड चलते रहता है। मानव ने बनाए सभी ऊर्जा के स्रोत ये बाह्य ऊर्जा के स्रोत है, वो अंदर के नहीं है। हर मानव का खुद का ऊर्जा स्रोत अपने अंदर ही है। यह परमात्मा का जनरेटिंग स्टेशन जो ऊर्जा बनाता है उसको समझना अनिवार्य है। उसको नहीं समझ पाए तो जीवन को नहीं समझ पाएंगे। तो अभी समझते हैं यह देहरूपी गाड़ी का ईंधन क्या है जिससे ऊर्जा का निर्माण होता है। जो परमात्मा ने जीव बनाए हैं इसमें से मानव भी है, एक है। यह शरीर की विशेषता यह है, शरीर प्रथम बनता है, बनते बनते भी चलता है और देहरूपी बिल्डिंग पूर्ण होने के बाद निर्माण कार्य बंद हो जाता है और बाद में शरीर चलाने हेतु सिर्फ हमें मूल ईंधन की जरूरत है। मित्रों, प्रथम हम बाल्य अवस्था से समझते हैं। 9 महीने मां के पेट में रहने के बाद हमारे देह का जन्म होता है। 9 महीने हमारा शरीर नाभि से मां के शरीर की ऊर्जा का ही इस्तेमाल करके बड़ा होता है और उसके बाद हमारा यह ब्रह्मांड में प्रवेश होता है। यह है हमारे शरीर का जन्मदिन। उस समय हमारा वजन होता है ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 किलो। जब हम पैदा होते हैं स्वयं देह में ईंधन लेने के लिए यह देह ईंधन लेने के लिए सक्षम नहीं होता है। यह परमात्मा का खेल गजब है। पैदा होते ही जो माँ ने जन्म दिया है ऑटोमेटिक माँ के स्तन में आपको
ऊर्जा बनाने हेतु दूध का निर्माण होता है। यह प्रकृति का अद्भुत खेल है और लगभग 2 साल में प्रथम हमें दांत आते हैं। हमारा मुंह एक मिक्सर है, ग्राइंडर है, जूसर भी है। यह पूर्ण पूर्ण तरह से विकसित होता है। यह जैसा ही पूर्ण विकसित होता है, माँ के दूध का सोर्स बंद हो जाता है। यह चमत्कार चमत्कार देखकर ही परमात्मा है, यह बात पर पक्का विश्वास हो जाता है। कुछ तो हो रहा है, मतलब करने वाला है, यह सत्य है और वही सब कुछ करा रहा है। जैसे परमात्मा ने जन्म देते ही दूध की व्यवस्था की है, वैसे ही परमात्मा ने सारे जीवों की व्यवस्था करके हमें धरती पर भेजा है। हर जीव का ईंधन परमात्मा ने तय करके दिया है और 84 लाख योनि का हर जीव परमात्मा ने तय किया हुआ ईंधन ही ले रहा है। मानव भी एक सृष्टि का जीव है। मानव और प्राणी में थोड़ा फर्क है। मानव को प्राणी से ज्यादा बुद्धि प्रदान की गई है। इसका मानव ने गलत इस्तेमाल करके जो ईंधन परमात्मा ने तय किया है वह छोड़कर वह अपने मन से शरीर में ईंधन डालना शुरू किया है। मानव ने संस्कार करके अपना खुद का भोजन बना लिया है, जो कि आग के ऊपर पकाकर मानव बनाता है। परमात्मा ने अनाज और दाले, यह भोजन पक्षियों के लिए है। यह पक्षियों का ही क्यों है, यह प्रथम हमें समझते हैं। पक्षी को दांत नहीं होते, वह अनाज और दाले डायरेक्ट चोंच से पेट में डालते हैं और यह पूर्ण पाचन होकर उसका जो वेस्ट जो पोटी के माध्यम से बाहर आ जाता है। इसमें वह अनाज और दाले का अंश अंश होता ही नहीं या दिखता ही नहीं है। मानव की आदत है दूसरे का छीनकर खाने की। मानव ने यह पक्षी के जैसा खाना शुरू किया तो उसने महसूस किया जैसा खाया वही स्थिति में शौच के समय बाहर निकलने लगा। इससे ऊर्जा निर्माण नहीं हो रही थी। मानव यह चुपचाप स्वीकार करने वाला नहीं था। यह मेरा ईंधन नहीं है। फिर मानव ने अनाज को पीसना शुरू किया, अनाज की पाउडर बनाई और फिर से पकाना शुरू किया। शरीर में थोड़ी ऊर्जा निर्माण होना शुरू हो गई और मानव की जो आदत है दूसरे का छीन कर खाना, इससे वह सफल हो गया और मानव ने जो परमात्मा ने मानव देह के लिए तय करके दिया था वह वहां से भटक गया और दूसरों का छीनना उसने शुरू किया। मानव प्राणी यहां तक गिर गया। चाइना का उदाहरण लेते हैं। अनाज कम पड़ रहा था। चाइना वाले ने यह कम पड़ने का कारण खोजा। पता चला कि अनाज चिड़िया और पक्षी खाते हैं, उसके कारण कम पड़ रहा है। यही निर्दयी चाइना वालों ने सारी चिड़िया और पक्षी मारना शुरू किया और स्वयं उनको खाने लगा। पक्षी मारने की वजह से अनाज बढ़ता गया। जो भोजन परमात्मा ने जिसके लिए बनाया था उनको ही मानव खत्म करने लगा और वह ईंधन के रूप में शरीर के अंदर आग पे पकाकर संस्कार करके खाने लगा। यह अपने बुद्धि का इस्तेमाल अपने जीभ और मन के लालच हेतु इस्तेमाल करने लगा और इसने अपने पेट एक प्राणियों का स्मशान घाट बनाया। उसकी लालच बढ़ती गई। यह सभी प्राणियों को जिंदा काटकर खाने लगा और ऊर्जा का स्रोत निर्माण करने लगा। मानव की पहली गलती यह होगी परमात्मा ने जो तय करके दिया था वह ईंधन से वह पूरी तरह से भटक गया है। यह परमात्मा का अपमान हुआ। यही कारण से मानव दुखी और बीमारियों का शिकार बन गया और फिर डॉक्टर और फार्मास्यूटिकल कंपनी के दवाइयों के अभिमन्यु के चक्रव्यूह में बुरी तरह से फंस गया। हर जीव अपनी निर्धारित आयु को स्वस्थ और मस्त होकर जी रहा है। सिर्फ मानव ही दुखी क्यों है, इसका कारण आप अच्छी तरह से समझ गए हैं। इसके लिए अपनी संस्था क्रांति समर्पण ट्रस्ट का प्रयास है आपको सत्य से अवगत करे। तो फिर समझना होगा ऊर्जा निर्माण हेतु परमात्मा ने हमारे लिए कौन सा ईंधन बनाया, यह हम अगले भाग में देखेंगे।
धन्यवाद, तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे। जीवन में समय और शक्ति बहुत कम है, उसका सही इस्तेमाल करें। आत्मसाधना के मार्ग पर चलकर आत्मकल्याण करें। आपका दिन शुभ हो। आपको ये ऑडियो दिल से अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे इस टाइप के ऑडियो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉरवर्ड करो। यही है निस्वार्थ मानव सेवा ही ईश्वर सेवा।